हेलो गाइज, वेलकम टू लॉ पुत्रा यूट्यूब चैनल। टुडे वी डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस एंड कंपोजिट नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंट इज अ पार्ट ऑफ टॉर्ट। यू ऑल्सो डिस्कस नेग्लिजेंट और रीड नेग्लिजेंट वर्क इन वेरियस लॉ सब्जेक्ट। लेट्स स्टार्ट द डिफरेंशिएशन बिटवीन कंपोजिट नेग्लिजेंस एंड कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। जैसा कि आप देख रहे हैं वर्ड कंट्रीब्यूटरी, कंट्रीब्यूटरी वर्ड हम वर्ड को अगर हम समझें, कंट्रीब्यूटरी कंपोजिट वर्ड को हम समझें, कंट्रीब्यूटरी मतलब अगर प्लेंटिव का कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन के तरह आप इसे ले सकते हैं कंट्रीब्यूटरी को, वहीं से ये वर्ड निकला है। कंट्रीब्यूशन होगा किसका? होगा प्लेंटिव का, प्लेंटिव और डिफेंडेंट का दोनों का कंट्रीब्यूशन होके नेग्लिजेंट एक्ट होगा। और बात करें कंपोजिट, कंपोजिट में प्लेंटिव का कोई रोल नहीं है, रोल होगा जो रॉन्ग डूअर और डिफेंडेंट उसके साथ मिले हुए लोग हैं जो जिन्होंने नेग्लिजेंट वर्क में साथ दिया, वो होंगे कंपोजिट। इसमें कंपोजिट नेग्लिजेंस तब माना जाएगा। इसमें बात करें तो प्लेंटिव का कोई लेना देना नहीं है, प्लेंटिव को इंजरी हुई है उसका कोई रोल नहीं रहेगा नेग्लिजेंट वर्क में। बात करें हम कंट्रीब्यूटरी की तो इसमें प्लेंटिव का रोल रहेगा, कंट्रीब्यूशन रहेगा प्लेंटिव का, तब जाके इसे कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस माना जाएगा। हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं वन बाय वन पॉइंट डिस्कस करते हैं। इग्नोरेंस ऑन द पार्ट ऑफ प्लेंटिव। देखिए प्लेंटिव के पार्ट है इग्नोरेंस, प्लेंटिव ने भी किया है तब जाके वो नेग्लिजेंट एक्ट हुआ है। इग्नोरेंस दोनों तरफ से हुआ, दोनों पार्टी की तरफ से हुआ, डिफेंडेंट की तरफ से भी हुआ, प्लेंटिव की तरफ से भी हुआ, तब जाके वो एक नेग्लिजेंट एक्ट होगा। इसमें इग्नोरेंस का अगर हम बात करें, इग्नोरेंस ये वर्ड आप ध्यान रखें, इग्नोरेंस किस बात का? जैसे कोई पेड़ काट रहा है, आप पेड़ काट रहे हैं, आपने नीचे ध्यान नहीं दिया कि कोई नीचे खड़ा है, इग्नोरेंस ही की आपने। आप देख भी सकते थे कि कोई नीचे खड़ा तो नहीं है, किसी को लग सकती है, आपने इग्नोरेंस किया तब जाके वो नेग्लिजेंट एक्ट हुआ और उसके इंजरी होगी, तो आपको कोई इंटेंशन नहीं था। तो यह इग्नोरेंस हुआ वो प्लेंटिव की तरफ से भी हुआ है, डिफेंडेंट की तरफ से तो हुआ ही है, प्लेंटिव ने भी इग्नोरेंस किया है। दोनों का रोल है इसमें कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस में। बात करें कंपोजिट नेग्लिजेंस की, टू और मोर रॉन्ग डूअर विच रिजल्टेड इन द इंजरी टू प्लेंटिव। टू और मोर रॉन्ग डूअर, एक दो या दो से ज़्यादा अगर रॉन्ग डूअर हैं डिफेंडेंट के साथ मिले हुए हैं जो उसका साथ दे रहे हैं नेग्लिजेंट एक्ट वर्क करने में, तो उसे कंपोजिट नेग्लिजेंट कहा जाएगा। अब कैसे टू रॉन्ग डूअर कौन होंगे? जो डिफेंडेंट के साथ मिले हुए हैं, जिन्होंने उसका साथ दिया है कंट्रीब्यूट वो कंपोजिट नेग्लिजेंट करने के लिए, तो उसे माना जाए कंपोजिट नेग्लिजेंस। इंजरी किसको हुई? प्लेंटिव को। देखिए इसमें बात करें तो इसमें प्लेंटिव का रोल है, इंजरी उसकी वजह से भी आप कह सकते हैं, पर प्लेंटिव को यहाँ इंजरी हुई है उसका कुछ लेना देना नहीं है, उसने कोई नेग्लिजेंट वर्क नहीं किया, वो अपनी तरफ से सेफ है। बात है रिजल्ट जो जिसने किया है रॉन्ग डूअर डिफेंडेंट ने किया है, प्लेंटिव को हुई इंजरी, इसमें ये डिफरेंस रहेगा। हम बात करें सेकंड पॉइंट की, बोथ प्लेंटिव डिफेंडेंट रेस्पॉन्सिबल। जैसा कि हम फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस कर रहे थे, ये दोनों मेन पॉइंट है, इससे रिलेट करते हुए चलेंगे तो आपको सभी पॉइंट समझ में आ जाएंगे। बोथ प्लेंटिव एंड डिफेंडेंट रेस्पॉन्सिबल, देखिए बोथ प्लेंटिव एंड डिफेंडेंट रेस्पॉन्सिबल है इसमें। ये इसलिए कहा गया है क्योंकि रोल तो प्लेंटिव का भी है, हम ओनली डिफेंडेंट को रेस्पॉन्सिबल नहीं मान सकते कि ओनली डिफेंडेंट के भी आप में ये नेग्लिजेंट वर्क हुआ है, ऐसा नहीं। नेग्लिजेंट वर्क हुआ उसमें उसमें बोथ प्लेंटिव का भी हाथ है, ऐसा नहीं बोल सकते सर ओनली डिफेंडेंट है, तो वो प्रोपोर्शनेट देखा जाएगा कि किसने ज़्यादा नेग्लिजेंट वर्क किया है, किसने ज़्यादा कम किया है, तो वो प्रोपोर्शनेट कोर्ट देखेगी, वो काम अपना नहीं है। अब हम बात करें सेकेंड को, रॉन्ग डूअर और डिफेंडेंट जॉइंटली लाइबल। देखिए इसमें प्लेंटिव नहीं आ रहा है क्योंकि ये पूरा अलग मैटर है, इसमें प्लेंटिव का रोल है इसमें नहीं है। रॉन्ग डूअर है और डिफेंडेंट जॉइंटली लाइबल, दोनों जॉइंटली लाइबल हैं। रॉन्ग डूअर कौन होगा? जो डिफेंडेंट का साथ दे रहे, रॉन्ग डूअर तो डिफेंडेंट भी है पर जो उसका साथ दे रहे हैं उसे यहाँ रॉन्ग डूअर कहा गया है। जॉइंटली लाइबल जो भी ये नेग्लिजेंट वर्क करेगा वो जॉइंटली लाइबल है, ऐसा नहीं कि इसको ज़्यादा या वो लाइबल है, प्लेंटिव ने भी किया है, ऐसा इसमें कुछ नहीं है, प्लेंटिव अपनी जगह सेफ है, तो जॉइंटली लाइबल हैं, सभी के सभी लाइबल माने जाएंगे। बात करें थर्ड पॉइंट की, प्रॉक्सीमेट रिलेशन बिटवीन एक्ट ऑफ प्लेंटिव एंड डिफेंडेंट। देखिए दोनों में रिलेशन होगा, प्लेंटिव में भी रिलेशन होगा, जो एक्ट नेग्लिजेंट वर्क किया उसमें प्लेंटिव का भी रिलेशन है और डिफेंडेंट दोनों का रिलेशन है। रिलेशन किस भी आप में होगा, अगर प्लेंटिव वो एक्ट ना करता तो शायद वो डिफेंडेंट जो नेग्लिजेंट वर्क हुआ वो होता ही नहीं। प्रॉक्सीमेटी है दोनों की, दोनों में रिलेशन है, मतलब एक ने किया है, एक ने अगर नहीं किया होता तो दूसरा एक्ट होता ही नहीं, तो ये प्रॉक्सीमेट रिलेशन देखा जाएगा कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस में। थर्ड पॉइंट ये कहता है देयर इज नो सच रिलेशन इन कंपोजिट नेग्लिजेंस, यहाँ कोई ऐसा रिलेशन नहीं है प्लेंटिव डिफेंडेंट का, डिफेंडेंट अपनी जगह, प्लेंटिव अपनी जगह, प्लेंटिव रॉन्ग डूअर जो भी हैं उन सब लाइबल है, जॉइंटली लाइबल है, सभी को कंपनसेशन
देना पड़ेगा प्लेंटिफ को। यहाँ रिलेशन नहीं है, यहाँ रिलेशन है जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया। फोर्थ पॉइंट की बात करें, बोथ प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट लाइबल टू पे डैमेजेस। देखिए बोथ प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट लाइबल टू पे डैमेजेस, ये क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि इंजरी, जो इंजरी हुई है उसमें प्लेंटिफ का भी हाथ है। हम ओनली डिफेंडेंट को नहीं बोल सकते कि ओनली सर डिफेंडेंट ने किया है, सब डिफेंडेंट की वजह से है, ऐसा नहीं है। रिलेशन तो आप में है, प्लेंटिफ ने किया तो है, नेग्लिजेंट वर्क उसके भी हुआ है तो सजा उसे भी मिलेगी, आपको भी डैमेजेस पे करने पड़ेंगे, प्लेंटिफ को भी डैमेजेस पे करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर जो डैमेजेस निश्चित किया है, जो फाइनल किया है, वो सिर्फ डिफेंडेंट देगा, नहीं, प्लेंटिफ भी देगा वो डैमेजेस। बात करें फोर्थ की, रॉन्ग डूअर लाइबल टू पे डैमेज। देखिए इसमें सीधा शॉर्टकट चल रहा है, इसमें सीधी गाड़ी जो सीधी चल रही है, इसमें गाड़ी घूमेगी, इसमें जो गाड़ी है जो सीधी चल रही है। रॉन्ग डूअर लाइबल टू पे डैमेजेस, कोई इसमें कुछ लेना देना नहीं प्लेंटिफ का। रॉन्ग डूअर हो आप, लाइबल करो, जितने भी आपका निश्चित फाइनल है वो आप दो, ना इधर ना उधर आपको देना पड़ेगा। ये रहेगा फोर्थ पॉइंट। अब हम बात करें फिफ्थ, क्लेम इट्स रिड्यूस टू द एक्सटेंट और प्रोपोर्शनेट ऑफ नेग्लिजेंस। ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये समझना पड़ेगा। क्लेम इज रिड्यूस, रिड्यूस क्यों होगा? एक्सटेंट ऑफ प्रोपोर्शनेट ऑफ नेग्लिजेंस, जितना आपने नेग्लिजेंट वर्क किया उतना ही आपको पे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैंने तो सर सिर्फ थोड़ा सा हाथ लगाया उससे तो वो हाथ लगाया उतना ही आपको देना पड़ेगा। आप वो चिंता मत करें कि सर इसमें तो 50-50 क्यों हुआ, मैंने तो सिर्फ हाथ देना पड़ेगा। देखिए कोर्ट अपना काम करेगी और वो एकदम फैसला सही करेगी। तो क्लेम इज रिड्यूस टू द एक्सटेंट ऑफ प्रोपोर्शनेट, जितना आपने वर्क किया है उतना ही आपको, जितना आपने नेग्लिजेंट वर्क किया उतना आपको क्लेम कर, उतना आपको क्लेम देना पड़ेगा, उतना आपको क्लेम मिलेगा। अब हम बात करें फिफ्थ पॉइंट, क्लेम फॉर डैमेज इज नॉट रिड्यूस टू द एक्सटेंट। इसमें रिड्यूस होगा ही नहीं, होगा क्यों नहीं? क्योंकि गाड़ी है जो सीधी चल रही है, ये आप समझ सकते हैं, गाड़ी है जो सीधी चल रही है। रॉन्ग डूअर लाइफ, रॉन्ग डूअर का काम है इधर, रॉन्ग डूअर आप हो तो पूरी लिस्ट बनेगी, वो आपको देना पड़ेगा। आप ऐसा, इसमें आपको कोई क्वेश्चन मार्क है ही नहीं, इसमें तो आप क्वेश्चन मार्क उठा भी सकते हैं, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क्स नहीं है कि सर इसमें ये ऐसे, इसमें सीधी गाड़ी सीधी चल रही है तो आपको गाड़ी में बैठना है और पेमेंट करना है, तो इसमें कोई आपको क्वेश्चन मार्क नहीं है। क्लेम फॉर डैमेज इज नॉट रिड्यूस टू द एक्सटेंट, इसमें आपको सीधा पेमेंट देना पड़ेगा, कोई इसमें कोई नो रिड्यूस है। देखिए वर्ड यूज़ किया नॉट रिड्यूस, इसमें रिड्यूस कुछ नहीं होगा, आपको दो और घर जाओ। ये रहेगा डिफरेंसेस बिटवीन कंट्रीब्यूटिंग नेग्लिजेंस एंड कंपोजिट नेग्लिजेंस। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और भी अगर आपके डाउट हैं टॉर्ट से रिलेटेड या और वेरियस सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक में वीडियो लेक्चर चाहिए तो हमारे लॉ पुत्रा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और कॉन्टैक्ट करें।